तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो DIY शेयर करने वाली हूँ जो फेस्टिवल से रिलेटेड है, जिसे आप किसी भी फेस्टिवल्स में एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे वॉल डेकोर जो है मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ करते हुए बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैंने इस तरह से 4 पीसेस लिए हैं स्क्वायर के, और इसे मैं यहाँ पर अभी फेविकॉल प्लस वाटर का एक मिक्सचर बनाऊंगी एंड उसके हेल्प से मैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर है उस स्टिक करूंगी। आपके पास अगर टिश्यू पेपर अवेलेबल है तो आप टिश्यू पेपर को भी इस पर स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं एक एक पीस को यहाँ पर अच्छे से स्टिक करते जाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा ये जो ग्लू है उसके ऊपर भी लगा दूँगी। इसकी वजह से हमारा ये जो सिंगल कार्डबोर्ड है वो काफ़ी मज़बूत हो जाएगा। अगर आप डबल कार्डबोर्ड लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंगल कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से सिंगल कार्डबोर्ड को अगर आप पेपर लगाकर स्टिक करते हो ग्लू की हेल्प से तो वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है और हमारे पेंटिंग के लिए बेस भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो इस तरह से मैं सारे पीसेस जो है कार्डबोर्ड के ऊपर एक एक करते प्लेस करूँगी और उसके ऊपर एक बार फिर से ये ग्लू का जो मिक्सचर है उसे अप्लाई कर दूँगी। इन सबको ड्राई होने के बाद अब मैं कर रही हूँ अक्रैलिक कलर। इसके जगह पर आप सबसे पहले बेस भी दे सकते हैं अक्रैलिक का वाइट कलर, पर जब आप डार्क कलर यूज़ करते हो इस तरह के तो आपको नहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक से दो कोट में ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं ये बिल्कुल भी हाइड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा कलर ही आपको दिखने वाला है। तो इसके बाद ये जब अच्छे से कलर हो जाएंगे सारे के सारे पीसेस, इसे भी मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तब तक यहाँ पर मैंने एक कलश का पेपर कटआउट लिया है, उसकी हेल्प से मैंने एक कार्डबोर्ड भी कट कर लिया है। सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर के पीसेस कर रही हूँ और उसे ग्लू के मिक्सचर में, ग्लू और वाटर का जो मिक्सचर है उसी के साथ इसे पेस्ट कर रही हूँ। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा बेस मिल जाएगा पेंटिंग के लिए। तो इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। कितना भी हार्ड शेप हो तो आप इसे बहुत ही अच्छे से सफाई से छोटे छोटे अगर पीसेस करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। ये इन सारे पीसेस को अच्छे से प्लेस करने के बाद मैं एक बार इसे फिर से एक बार कोट करूँगी इस मिक्सचर से और इसे अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा हमें इसका मिक्सचर नहीं लगाना है, वरना कार्डबोर्ड का शेप है थोड़ा सा फोल्ड हो सकता है, इसलिए आपको जब ये ड्राई होता है तब आपको इस पर ध्यान रखना होगा कि ये फोल्ड ना हो। जब ये फोल्ड हो रहा होगा तो आपको इस पर कुछ वेट रख देना है। इस तरह से इसे भी ड्राई होने के बाद अब मैं बेस कलर दे रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो आप इसे बेस कलर दे सकते हैं, पर एक या दो कोट अगर हम कलर का दे देंगे तो ये डार्क कलर से जो है न्यूज़पेपर सारा हाइड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ दोनों पीसेस को मैंने रेड कलर अच्छे से दो कोट कर लिया है एंड अब मैं इसे ड्राई होने के लिए कम्प्लीटली छोड़ दूंगी। और आप देख सकते हैं कि ड्राई होने के बाद ना ही पेपर के छोटे छोटे पीसेस हमें नज़र आ रहे हैं और ना ही उनके ऊपर राइटिंग थी वो। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से कलर की वजह से हाइड हो जाता है। यहाँ पर मैंने वाइट अक्रैलिक कलर लेके अभी आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पेंटिंग को बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। आउटलाइन की हेल्प से यहाँ पर मैं लीफ का शेप भी दे दूँगी। यहाँ पर सारे कलर्स को जो मैंने रेड कलर दे दिया है, लीफ को भी अभी मैं सिर्फ वाइट कलर से ही बॉर्डर कर रही हूँ। जब ये बॉर्डर करना ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर, यहाँ लीफ के अंदर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं ग्रीन कलर के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक दे रही हूँ और इससे भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर गोल्डन कलर लेके थोड़े से मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। दोनों साइड्स में मैं इस तरह से लाइंस क्रिएट कर लूँगी। एक डार्क कलर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ।
अभी यहाँ पर जो श्रीफल है इसको मैं हाईलाइट करने के लिए गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब ये इतना होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर से मैं श्रीफल को हाईलाइट करूँगी ताकि ये थोड़ा समझ में आ जाए। और अभी यहाँ पर मैंने कुछ डायमंड्स लिए हैं, यहाँ मैंने स्क्वायर शेप में लिए हैं, आपके पास अगर राउंड हो तो वो भी आप ले सकते हैं, पर ये स्क्वायर के साथ आप देखेंगे ये फिनिश होने के बाद इतने खूबसूरत लग रहे थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे स्वास्तिक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं स्टोन से यहाँ पर मेजर करूँगी क्योंकि स्वास्तिक जो है वो अच्छे से काउंट करके मैं यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करूँगी, वरना वो अनइक्वल लग सकता है। इसके बाद फेविकॉल की हेल्प से हमें इसे अच्छे से स्टिक कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर क्राफ्ट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्वास्तिक जो है स्क्वायर स्टोन्स के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से मैं स्केल का यूज़ करके ये जो सारे स्टोन्स है इसको एक अच्छे से लाइन में लेकर आऊँगी ताकि ये स्वास्तिक जो है काफ़ी फिनिशिंग से दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हो चुका है मेरा स्वास्तिक कंप्लीट। और ऊपर का जो साइड है यहाँ पर भी मैं कुछ स्टोन्स लगाऊँगी। सारे स्टोन को प्लेस करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने ग्रीन ये जो स्क्वायर पीस है इसके ऊपर भी मैं हर एक साइड से ये स्क्वायर पीसेस जो है स्टोन के लगाऊंगी। यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से इसे लगा ले रही हूँ एंड इसे भी मैं लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। इसे थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी और उसके बाद ही इस पर हम कुछ डिज़ाइन या फिर हमें अगर कुछ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, वरना स्टोन्स जो है गीले होने की वजह से अपने जगह से सरक सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे स्टोन पीसेस जो है मेरे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो इस पर मैं सबसे पहले डॉट कर ले रही हूँ वाइट कलर से। यहाँ पर मैं पेंट ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर डॉट्स लगा दिए हैं। अभी यह जो ग्रीन पीसेस है इसके ऊपर मैं शुभ लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर लेके यहाँ पर लिख दिया है शुभ। इसी तरह से मैं ये सारे पीसेस जो है रेडी कर लूँगी। अभी ये जो ग्रीन पीसेस है ये काफ़ी ब्लैंक लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बड़े साइज़ के पिस्ता कलर के यहाँ पर मैंने स्टोन्स लिए हैं एंड उसको यहाँ पर स्टिक कर दिया है। उसके साइड्स में थोड़े से वाइट कलर से डॉट डॉट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये कंप्लीट होने के बाद। सारे स्टोन्स को मैं इसी तरह से साइड्स में वाइट कलर से डॉट कर लूँगी एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे चारों पीसेस रेडी हैं। अभी इसे हमें असेंबल करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैंने कुछ मोती और बेल्स लिए हैं और इसे मैं सुई धागे की मदद से डाल दूँगी। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लटकन जो है बना रहे हैं हम वो आपको लंबाई में चाहिए, तो उतने लंबे आप यहाँ पर लटकन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चार मोती लगाकर ये रेडी कर लिए हैं। इस तरह से लाभ जो है नीचे आने वाला है, तो उसके तीनों साइड से मैं ये लटकन लगा दूंगी। यहाँ पर मैं फेविक्रिल ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे लगाने के बाद इसके ऊपर से यहाँ पर टेप लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर लगा रहे हैं तो एक से दो न्यूज़पेपर इसके ऊपर लगाइए ग्लू की हेल्प से, काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सारे पीसेस रेडी हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ पॉम पॉम, छोटे वाले पॉम पॉम बना रही हूँ। इस तरह से वुलन का थ्रेड लेकर मैं 20 से 25 बार इसे यहाँ पर राउंड कर लूँगी
एंड राउंड होने के बाद इसे एक नॉट लगाकर मैं सिक्योर कर लूँगी। अभी जो साइड्स थे इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी और इसे राउंड शेप में कट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा बॉल जैसा शेप में आ जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों पीसेस रेडी हो चुके हैं, तो इसे भी मैं मनचाहे पैटर्न में आप इसे असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सिंपल पैटर्न में मैंने इसे यहाँ पर ग्लू के हेल्प से मैंने जॉइंट कर रही हूँ। जॉइंट होने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो उससे आप स्टिक कर सकते हैं सेम प्रोसीजर में, या फिर आप सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा सारा पीसेस जो है ये रेडी हो चुका है। और अब इसे हैंग करने के लिए यहाँ पर मैं एक डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वुलन थ्रेड लिया है, वुलन से भी ये काफ़ी अच्छी तरह से हैंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, ये कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। आप इसे अपने घर में मनचाहे जगह पर इसे डेकोरेट कर सकते हैं और ये काफ़ी ट्रेडिशनल भी लग रहे थे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है एंड उसके साइड से मैं यहाँ 1 इंच छोड़कर यहाँ से स्क्वायर बना लूँगी। अभी इसे कट कर रही हूँ और इसे एक फ्रेम का शेप आ गया है। तो इस तरह से मैंने 2 पीसेस बनाए हैं। सबसे पहले मैं इस पीसेस को बेस कलर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर लिया है और इससे मैं इसे अच्छे से पेंट कर दूँगी। दोनों फ्रेम्स जो है मैं वाइट कलर से पेंट करने वाली हूँ एंड इसे थोड़ी देर के लिए मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी। अभी यहाँ पर दोनों पेंटिंग्स मेरी ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर कलर कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है डार्क ब्लू कलर। आप कलर अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर करने के बाद अभी लिया है इस फ्रेम के लिए रेड कलर। सारे कलर को मैं अच्छे से फ्रेम के ऊपर प्लेस कर दूँगी एंड इसे भी मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। हर एक फ्रेम को मैं डबल कोट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल कोट करने के बाद फ्रेम का काफ़ी अच्छा लुक नज़र आ रहा था। सिंगल कोट में इतना अच्छा से आपको फ्रेम का कलर नहीं दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है गोल्ड कलर। इससे मैं थोड़ा थोड़ा हल्के ब्रश से यहाँ पर स्ट्रोक कर ले रही हूँ। इसे काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा था। इसी तरह से मैं ब्लू कलर को भी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये करने के बाद ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी इस फ्रेम्स पर। आप चाहे तो इस फ्रेम को इसी तरह से वॉल के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। इसे और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं लगती। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका लुक आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा और इस फ्रेम को डेकोरेट करने वाली हूँ। इसके लिए जिस तरह से हमने ये टैसल्स बनाए थे उसी तरह से सेम मैं यहाँ पर बना कर ले रही हूँ। यहाँ पर 3 साइज़ के मैंने बनाए हैं और इन्हें भी मैं फ्रेम्स में फेविक्रिल ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। आप यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी अगर कुछ डेकोरेटिव ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे रखा है और ये तैयार होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेल्स लगाने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेपर का यूज़ करके इसे स्टिक किया है, इससे भी ये काफ़ी मजबूत रहते हैं। ये दोनों DIY काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और ये काफ़ी कम चीज़ों में भी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसका वेट भी काफ़ी लाइट वेट होने की वजह से आप इसे दीवार पे भी बहुत अच्छी तरह से हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डबल साइडेड की मदद से इन दोनों को भी अच्छे से स्टिक कर लिया है दीवार पर और ये बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये DIY कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरे DIY अच्छे लगे हो आपको तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो में नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।